हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो आपने कुछ दिनों से जियो के एंड्रॉयड स्मार्टफोन के बारे में जरूर सुनते हुए आए होंगे, कहीं ना कहीं इससे आपको न्यूज़ मिल ही गई होगी। तो बात कीजिए, बेसिकली आज फाइनली जियो का एजीएम 2020 बंद था, तो उसमें उन्होंने जियो का जो 4G एंड्रॉयड स्मार्टफोन आने वाला उसका रिवील कर दिया, क्या फीचर्स होने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेड प्राइसिंग हो सकती है, किस तरह से सारा वर्क करेगा। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए फिर आरम्भ करते हैं। बात कर लीजिए स्मार्टफोन किस तरह के फीचर्स के साथ में आने वाला है। तो आप पहले कैसा स्मार्टफोन था आपके पास में जियो का, हालांकि उसमें यूट्यूब भी चलता था, व्हाट्सअप भी चलता था, लेकिन कभी एक कीपैड स्मार्टफोन निकल गया था, ठीक है, वो कीपैड निकल गया था। लेकिन अब जो है जियो की और प्लस गूगल की, जियो और गूगल दोनों जन ने पार्टनरशिपिंग किया है। पार्टनरशिपिंग करने के बाद उन्होंने एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन निकाला है। जैसे कि बात कीजिए, एक प्रॉपर एंड्रॉयड आता है, उसके बाद में जिनके छोटे स्मार्टफोन्स होते हैं जिनमें रैम कम होता है, ठीक है, तो उसके लिए एंड्रॉयड गो निकाला गया था। अब जो इनके लिए एंड्रॉयड निकाल के अलग से कस्टमाइजेशन करके एंड्रॉयड निकाला गया, जिससे अगर इनमें स्पेसिफिकेशंस कम भी हो तब भी आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिल सके। क्योंकि भाई अगर कम प्राइस में देना तो भाई हाई स्पेसिफिकेशन देना तो नामुमकिन ही है, तो स्पेसिफिकेशंस कम लेकिन आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, इसके लिए जियो और गूगल ने पार्टनरशिपिंग करके निकाला हुआ है। तो बात कर लीजिए कि इसमें फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ बात करें तो इसमें बिल्ड इन गूगल असिस्टेंट होने वाला है, जो आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन में होता है ये बिल्ड। और बात कीजिए आप सेकंड, इसमें बिल्ड इन ट्रांसलेटर होने वाला है, क्योंकि अगर आपने कहीं गए हो, कुछ सर्च किए हो, तो ऑटोमेटिक वो ट्रांसलेट भी हो जाएगा। और बात कीजिए जो सारा कुछ फंक्शन रहता है वो देखने को मिल जाता है। और बात कीजिए, हालांकि अभी प्रोसेसर कौन सा होगा, डिस्प्ले कौन सा होगा, ये कुछ अभी बताया नहीं गया। और जो लुक होगा वो आपको पहले वाले स्मार्टफोन तरह बड़े बड़े ब्रेजल्स देखने को मिलेंगे, या जो मोटा मोटा बिजनेस देखने को मिलता है, ऐसा नहीं पूरे भर में आपको एक सीन ऐसा नहीं होगा, पुराने जैसे होगा, लेकिन आपको फीचर्स अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। और बात कीजिए फ्रंट में सिंगल कैमरा, और बात कीजिए बैक में सिंगल कैमरा होगा, प्लस इसमें आपको नाइट मोड का सपोर्ट देखने को मिलेगा। भाई आप लोग पूछोगे नाइट मोड क्या होता है, तो नाइट मोड ऐसा फीचर कि अगर आप रात में फोटो क्लिक करोगे तो फोटो की क्वालिटी अच्छी आती है, अगर आपके फ़ोन में नाइट मोड नहीं तो फोटो की क्वालिटी कम अच्छी आती है, तो उसमें नाइट मोड का भी फीचर्स आने वाला है। और बात कीजिए जो पूरा फ़ोन एकदम कमाल शानदार है, और ये कब लॉन्च होने वाला है इंडिया में, तो आज तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है 10 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन पूरी एक्सपेक्टेड प्राइस बता देंगे, कंफर्म प्राइस बता देंगे, कैसे आपको प्री ऑर्डर करना है, कैसे बाय करना है, सितंबर के दिन जियो की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और बात कीजिए इसकी प्राइसिंग कितनी हो सकती है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ प्लस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बात कीजिए, तो ये अभी तक का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन होने वाला है। यस, ये 5G नहीं होगा, ये 4G होगा, और ये मिनिमम आपको 2999 यानी 3000 रुपये तक की प्राइस में देखने को मिलेगा। और मुकेश अंबानी जी, यस, इनका लक्ष्य है कि हमारे भारत देश को 2G मुक्त किया जाए और 4G लाया जाए। यस, 2G को पूरी तरह से मुक्त, यानी 2G कोई नहीं यूज करना चाहिए। पूरे भारत देश में भले ही कितने भी गरीब हो, लेकिन उनको 4G का स्पीड मिलना चाहिए और 4G यूज करना चाहिए। और भाई आपको पता है कि भाई कीपैड के फोन में और एक टच वाले स्क्रीन फोन में फर्क धरती और आसमान का होता है। यस, अगर आप एक यूज करोगे तो आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा, प्लस इतनी अफोर्डेबल प्राइस। आप सोचोगे भाई 3000 में एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन आ सकता है, जिसमें व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हालांकि ये तो बहुत कम ही यूज करेंगे जिनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता, कोई डॉक्यूमेंट। अब भाई स्टूडेंट को आज के समय आपको पता है कि भाई ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, फिर ऑनलाइन क्लासरूम्स चल रहे हैं, ठीक है, तो फ़ोन की मदद से आराम से वो यूज़ कर पाएंगे। हालांकि इसमें क्या होगा, ऐप सारे वही रहेंगे लेकिन उनका स्मॉल वर्जन दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि फ़ोन की स्टोरेज भी ज़्यादा नहीं भरेगी और फ़ोन में क्या है हीटिंग इशू नहीं आएगा, तो फ़ोन की परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें आपको एक्सपेक्टेड 1GB रैम देखने को मिल सकता है, 1GB रैम, और आई थिंक 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। हालांकि अभी पूरी स्पेसिफिकेशन कन्फर्म किया है, प्रोसेसर कौन सा होगा, रैम कितना होगा, और बात करिए डिस्प्ले कौन सा होगा, स्पीकर कौन सा होगा, चार्जर कौन सा होगा, ये सारी स्पेसिफिकेशन आपको 10 सितंबर के दिन गणेश चतुर्थी के दिन ही पता चल जाएगा। तो चलिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, ऐसे और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।